अपने शहर को स्वच्छता में नंबर वन बनाने के लिए काम करिए। चौथा, जितना हो सके आप लोकल को, स्थानीय प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करिए। पांचवा, जितना हो सके पहले अपने देश को देखिए, अपने देश में घूमिए, और अगर दूसरे देश जाना हो तो जब तक पूरा देश नहीं देख लेते विदेशों में जाने का मन नहीं करना चाहिए। और मैं आजकल तो ये बड़े बड़े धन्ना सेठों को भी कहता रहता हूं कि विदेशों में जाकर के शादी क्यों कर रहे हो भाई। तो मैंने कहा मेड इन इंडिया, इंडिया में शादी करो। मैं छठी बात कहता हूं, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करते रहिए। मैंने ये आग्रह पिछली बार भी आपसे किया था, फिर इसे दोहरा रहा हूं, ये धरती मां को बचाने के लिए बहुत जरूरी अभियान है। मेरा सातवां आग्रह है, मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने रोजमर्रा के खाने के जीवन में शामिल करिए। इसका खूब प्रचार प्रसार कीजिए, सुपर फूड है। मेरा आठवां आग्रह है फिटनेस, योग हो, स्पोर्ट्स हो, उसे भी अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए। और नवा आग्रह है कम से कम एक गरीब परिवार का संबल बनिए, उसकी मदद करिए। ये भारत में गरीबी दूर करने के लिए जरूरी है। आजकल आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। मैं कल शाम को इससे जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। अभी कुछ देर बाद यहां से मैं फिर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने जा रहा हूं। इस यात्रा के प्रति जागरूकता फैलाने का दायित्व आप सभी का भी है, हर धर्मगुरु का भी है। मैं चाहूंगा कि ये सभी हमारे व्यक्तिगत संकल्प भी बनने चाहिए। गांवों विश्वस्य मातरः का जो आदर्श वाक्य है, ये हमारे लिए आस्था के साथ साथ व्यवहार का भी हिस्सा बनेगा तो भारत और तेजी से विकसित होगा। इसी भाव के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और पूज्य संतों ने मुझे जो मान सम्मान दिया मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। आपने जो आग्रह किए निश्चित रूप से वो विकसित राष्ट्र के निर्माण में योगदान देंगे। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।